दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज तक इंसानों के द्वारा बनाई जाने वाली सबसे महंगी चीज क्या है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन दुनिया का सबसे महंगा ऑब्जेक्ट धरती पर नहीं बल्कि स्पेस पर है दोस्तों, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दुनिया की 5 सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है, और उन स्पेस एजेंसी का नाम है नासा यूनाइटेड स्टेट, रूस की रूसमोस स्पेस एजेंसी, जापान के जेक्सा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने का खर्चा $150 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपये में 12 लाख करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, ये इतना पैसा है कि 100 बुर्ज खलीफा, 135 आईफिल टावर और 80 से ज्यादा एंटेलिया बनाए जा सकते थे। अब आप बोलोगे कि इतना ज्यादा पैसा एक स्पेस स्टेशन बनाने में क्यों लगाया गया? चलिए ISS बनाने की कहानी को शुरुआत से जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए डू सब्सक्राइब। 1971 में सोवियत यूनियन एक मिशन लॉन्च करता है जिसका नाम Salyut-1 था, और ये रूस का पहला नेशनल स्पेस स्टेशन बन जाता है। इस टाइम पर USA और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाना चाहता था, जहां पर एस्ट्रोनॉट महीनों तक रह सके और जीरो ग्रेविटी पर रिसर्च कर सके। इसी सपने को पूरा करने के लिए नासा ने फ्रीडम मिशन लॉन्च किया, लेकिन ये मिशन इतना महंगा था कि US गवर्नमेंट ने आधा पैसा देने के बाद और पैसा देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये मिशन बीच में ही रुक गया था। लेकिन दोस्तों, नासा को तो स्पेस स्टेशन बनाना ही था, जिसकी वजह से नासा ने दूसरी स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर ये मिशन आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, और फिर दुनिया की 5 सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मिलकर ISS को बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जहां पर अमेरिका के उस टाइम के सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सोवियत यूनियन भी था, और 20 नवंबर 1998 को ISS का सबसे पहला मॉड्यूल रूस के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसका नाम जारिया था, और 10 साल बाद ISS पूरी तरह से बनकर सर्विस के लिए तैयार हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का साइज लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है, और ये लगभग धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ का चक्कर लगाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग 7.76 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक दिन में धरती का 16 बार चक्कर लगा देता है, जिसकी वजह से उसमें बैठा एस्ट्रोनॉट 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देख पाते हैं। ISS धरती का एक चक्कर 92 मिनट्स में लगा देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आज तक लगभग 240 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट रिसर्च के लिए जा चुके हैं। ISS को ऑपरेशनल रखने के लिए पर डे $7.5 मिलियन नासा के द्वारा खर्च किया जाता है। आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर USA $90 बिलियन, रूस $15 बिलियन, कनाडा और जापान $5 बिलियन, और यूरोपियन कंट्री $10 बिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं। नासा का कहना यह है कि 2030 तक ISS को सर्विस से रिटायर करके ओशियन में गिरा दिया जाएगा। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि ISS पर एस्ट्रोनॉट कैसे रहते हैं, उन तक खाना कैसे पहुंचाया जाता है, और ISS पर उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और नासा आखिर क्यों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ओशियन पर गिराना चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।